गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं रोशन सिंह। कैटलिस्ट एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम आता है नोबेल पुरस्कार। जहां से एसएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो या किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन हो तो उसमें नोबेल पुरस्कार से लगभग एक अंक पक्का आता है, जिसमें सबसे अच्छा इसका जो भूमिका होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। नोबेल पुरस्कार में करंट अफेयर्स को जोड़ के हम लोग चलेंगे तो आपका पूरी बात समझ में आएगी। नोबेल पुरस्कार जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, इसको एकदम कहानी के तर्ज पर हम लोग ठीक करेंगे। और यदि आपको हम कहानी समझा दें, समझ में आ जाए, प्रश्न बन जाए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो नोबेल पुरस्कार प्रारंभ करते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है वो एक व्यक्ति के नाम पर दिया जाता था और उस जो व्यक्ति का नाम था वो अल्फ्रेड नोबेल था। अल्फ्रेड नोबेल, इनका पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल था और यही अल्फ्रेड नोबेल के याद में एक पुरस्कार का शुरुआत किया गया। उस पुरस्कार का नाम था नोबेल पुरस्कार। अब इनकी कहानी को देखें कि कैसे कैसे रन करती है, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को हम लोग पकड़ेंगे, पूरे इनको जीवन को देखें और फिर धीरे धीरे प्रश्न की ओर हम लोग निरंतर बढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे, ध्यान देंगे अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 21 अक्टूबर वर्ष 1833। 21 अक्टूबर वर्ष 1833 को अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ और जो जन्म हुआ था एक देश में हुआ, उस देश का नाम था स्वीडन। और स्वीडन की जो राजधानी है वो राजधानी का नाम है स्टॉकहोम, और वही स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जन्म हुआ अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का। जबकि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जो निधन है वो हुआ था 10 दिसंबर वर्ष 1896। जन्म 21 अक्टूबर 1833 और मृत्यु 10 दिसंबर, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, 10 दिसंबर 1896 और 10 दिसंबर 1896 को जो मृत्यु हुई वो मृत्यु हुआ कहाँ, इटली में हुआ। यही निधन हुआ, पुण्यतिथि है 10 दिसंबर को, और यही 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार का वितरण किया जाता है, उस पुरस्कार का नाम है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार में अल्फ्रेड नोबेल की जीवन चर्चा जुड़ती है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ष 1867 में, बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्ष 1867 में आविष्कार किया था जिसका नाम आएगा डायनामाइट। सीधा प्रश्न मिलेंगे कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। कब किया, तो वर्ष 1867। वर्ष 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, ये रसायन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, रसायन से बना है, और रसायन पर काम किया व्यक्ति ने काम किया, इसलिए ये जो पेशा से जो थे वो क्या थे, रसायन शास्त्री थे। सीधा प्रश्न मिलेंगे कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल या अल्फ्रेड नोबेल पेशा से क्या थे, तो बोलना है कि रसायन शास्त्री थे। और एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट जोड़कर चलेंगे कि और पेशा से क्या थे, तो बोलना चिकित्सक थे। अल्फ्रेड नोबेल रसायन शास्त्री के साथ साथ, रसायन शास्त्र के शास्त्री के साथ साथ चिकित्सक भी रहा करते थे। इनके नाम से
लगभग 350 पेटेंट था। पेटेंट का मतलब कि वैसा वस्तु का आविष्कार जिसके पहले इन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया है, वैसे लगभग 300 वस्तुओं का आविष्कार किया, पेटेंट किया, वो किनके नाम रहा? अल्फ्रेड नोबेल के नाम रहा। बहुत पैसा कमाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहा कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल पैसा तो कमाए लेकिन ये शादी नहीं किए। ये एक अविवाहित व्यक्ति रहे, इनका कोई माने पत्नी बच्चे नहीं थे। तब अल्फ्रेड नोबेल ने अपने वैसियत में, यानी कि अपने जीवन के अंतिम समय में अपने वैसियत में लिखा कि हमारे मर जाने के बाद, हमको दुनिया से चल जाने के बाद हमारे द्वारा जितना भी संपत्ति छोड़ा गया है और उन संपत्ति को जो ब्याज मिलेगा, गवर्नमेंट जो ब्याज देगी, उस ब्याज को उस उत्कृष्ट व्यक्ति के बीच बांट दिया जाएगा जो मानव कल्याण के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया हो। नोबेल पुरस्कार कोई छोटी पुरस्कार नहीं है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है, अगर इस अवस्था में दुनिया का कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति अगर इसकी वैक्सीन 100% कंफर्म क्लियर कर दे तो वैसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा सकता है, इसमें कोई भी दुम्मत की बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया इससे कोरोना महामारी से जूझ रही है। तो वही कहे कि मानव कल्याण के लिए जो भी उत्कृष्ट व्यक्ति होंगे उन सभी के बीच हमारे संपत्ति को बांट दिया जाएगा। और उसमें लिखा गया था कि कौन कौन व्यक्ति को बांटा जाएगा, उसमें क्षेत्र का चर्चा था और क्षेत्र कितना था, 5 क्षेत्र था। 5 क्षेत्रों का जिक्र किया था जिसमें सबसे पहले भौतिक शास्त्र का चर्चा था, भौतिक शास्त्र के बाद रसायन शास्त्र का चर्चा था और रसायन शास्त्र के अलावा मेडिसिन यानी चिकित्सक का चर्चा था। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो साहित्य का चर्चा था और साहित्य के बाद चर्चा किया गया था शांति का। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के वसीयत में यही लिखा गया था कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र में जो अच्छा योगदान देंगे उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। लेकिन बाद में एक और नया विषय जुड़ गया है और उस विषय का नाम आता है अर्थशास्त्र। प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि अर्थशास्त्र को किस वर्ष जोड़ा गया, तो बोलना है वर्ष 1967 में अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया, इसलिए वर्तमान में कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, 6। प्रश्न है कि प्रारंभ में कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, तो बोलना है 5। प्रारंभ में 5 में दिया जाता था, वर्तमान में कितना में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब 4 को चॉइस मिल जाएगा, 4 को चॉइस देगा, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन शास्त्र, मेडिसिन, साहित्य, शांति, और इनमें से किसमें नहीं मिलता है, तो कंप्यूटर में। कोई बोलेगा गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो बोलो गणित इसमें है, मैथ इसमें है, नहीं, तो सीधा बोलना है कि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो 5 क्षेत्रों का चर्चा प्रारंभ में था, 1967 में एक नया क्षेत्र जुड़ गया अर्थशास्त्र, इसलिए अब वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब आएगा कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाएगा तो नोबेल पुरस्कार का वितरण कहां से किया जाएगा, तो स्वीडन की जो राजधानी है उस राजधानी का नाम होगा स्टॉकहोम, और यही स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है।
नोबेल पुरस्कार का वितरण कहाँ से होता है? स्टॉकहोम से होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है, अपवाद है। अपवाद में जो चलेगा उसका नाम होगा शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का जो वितरण किया जाता है वो एक शहर से किया जाता है, उस शहर का नाम है ओस्लो। एक देश है नॉर्वे, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहते हैं, तो मध्य रात्रि के सूरज का देश कौन है? नॉर्वे। और यही नॉर्वे की एक राजधानी है ओस्लो, और यही ओस्लो से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रश्न है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है? ओस्लो से। बाकी जो पांच बचे वो बोलो कहां से दिया जाता है, तो बोलना स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। जब अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल वर्ष 1896 में मर गए थे, तब इनके बहुत बड़े व्यक्ति थे। जब इनके वसीयत को खोला गया तब पता चला कि नोबेल पुरस्कार का वितरण करने के लिए, मतलब अपने ब्याज को बांटने के लिए, इन्होंने अपने वसीयत में, अपने डायरी में उल्लेख किया है। तब जाकर स्वीडन सरकार के द्वारा एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है नोबेल फाउंडेशन। और यही नोबेल फाउंडेशन जो संस्था है, इसी संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रही थी, तो सेकंड वर्ल्ड वार के समय नोबेल पुरस्कार को रोक दिया गया था, कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था, लेकिन ऐसे देखें तो निरंतर नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में घोषणा किया जाता है कि कौन कौन व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा, किस किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इस बात का घोषणा कौन माह में होगा? अक्टूबर माह में होगा। जबकि नोबेल पुरस्कार का जो वितरण है वो कब होता है? 10 दिसंबर। जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का पुण्यतिथि 10 दिसंबर था, यही 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार का वितरण कर दिया जाता है। इसमें निश्चित कर दिया गया है कि जो एक क्षेत्र में, ध्यान देंगे, एक क्षेत्र में अधिकतम कितने विजेता हो सकते हैं, तो बोलना कि एक क्षेत्र में अधिकतम 3 विजेता हो सकते हैं। इससे ज्यादा विजेता हो सकता है या नहीं, तो बोलना है नहीं। मान लिया जाए कि एक क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र ले लेंगे, जैसे मान लिया जाए कि यहां पे हम फिजिक्स भौतिक शास्त्र ले लिए, और भौतिक शास्त्र के लिए यदि 2 व्यक्ति को चुनाव किया गया कि 2 व्यक्ति को मिलेगा, तो कितना मिलेगा, तो बोलना है 50%। और कितना मिलेगा? 50%, यानी कि दोनों को समान राशि बराबर बराबर दे दिया जाता है। लेकिन बात है कि यदि एक ही क्षेत्र में 3 व्यक्ति को नामित कर दिया जाए, तब ये जो राशि का वितरण है वो कैसे होगा? तो उस राशि का वितरण का जो निर्धारण करता है वो नोबेल फाउंडेशन संस्थान करता है। लेकिन जो जनरली अभी होता है वो ऐसे होता है कि 3 व्यक्ति को निर्धारित किया गया, ए को निर्धारित किया गया, बी को निर्धारित किया गया, सी को निर्धारित किया गया। और इसमें से पहला जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको 50% दे दिया जाएगा, और जो भी बचे उनको आधा में से दोनों को, यानी बी और सी को दे दिया जाएगा। लेकिन इस बात का जो निर्धारण है वो कौन करेगा? तो बोला नोबेल फाउंडेशन संस्थान करेगा, और उसी के अनुसार वितरण किया जाता है। 1974 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1974 में नियम बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति को मरणोपरांत, यानी मरने के बाद, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर यहां पे बात आती है कि सर ये बतला दिया जाए
कि मान लिया जाए कि अक्टूबर माह में नामित कर दिया गया कि हाँ आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, ये भी बात फिक्स है, मिलता कब है, दिसंबर में। तो जो 2 महीने की गैपिंग है, मान लिया जाए अक्टूबर में नामित किया गया, दिसंबर में मिलना है और बीच में नवंबर में ही व्यक्ति की निधन हो जाती है, तो उस कंडीशन में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा या नहीं, तो बोला दिया जाएगा। अगर अक्टूबर में नामित किया गया, दिसंबर में मिलना है, बीच में व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में नोबेल पुरस्कार को नहीं रोका जाएगा, नोबेल पुरस्कार दे दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नामित से पहले ही मर जाता है तो उस कंडीशन में नोबेल पुरस्कार मिलेगा कि नहीं, तो बोला नहीं मिलेगा। और यह निर्धारण कब किया गया, तो बोला है वर्ष 1974 में किया गया। नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत किया गया वो किया गया वर्ष 1901 में। प्रश्न क्लियर है कि नोबेल पुरस्कार का जो वितरण है वो किस वर्ष से शुरू किया गया, तो बोलना है वर्ष 1901 से प्रारंभ किया गया। अब कैसे कैसे प्रारंभ किया गया वो पूरे हम लोग चार्ट के माध्यम से एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्यक्ति में सबसे पहले देखेंगे प्रुधोशल्ली, और प्रुधोशल्ली जो रहने वाले थे वो एक देश के थे, उस देश का नाम था फ्रांस। प्रुधोशल्ली फ्रांस के रहने वाले थे और इनको जो किस क्षेत्र में दिया गया, तो साहित्य के क्षेत्र में, और कब दिया गया, तो 1901 में। अर्थशास्त्र को छोड़कर जो पहला वर्ष सब मिला वो कब मिला, 1901 में, और किसके लिए, तो एक पुस्तक है द लॉजिस्ट और एक पुस्तक है द सिब्बर, और यही द लॉजिस्ट और द सिब्बर पुस्तक के लेखन के लिए प्रुधोशल्ली को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद दूसरा नंबर पे हम लोग देखें शांति के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में पहली बार जो मिला वो 2 व्यक्ति को दिया गया। एक व्यक्ति का नाम था एच ड्यू नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में हम थोड़ा सा देखेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एच ड्यू नॉट, और एच ड्यू नॉट स्वीडन के रहने वाले थे, और दूसरा व्यक्ति हैं फ्रेडरिक पैसी, और फ्रेडरिक पैसी जो थे वो फ्रांस के रहने वाले हैं, और ये दोनों को शांति के क्षेत्र में 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए, तो बोलना है रेड क्रॉस और क्रीमिया युद्ध में मदद के लिए, क्रीमिया युद्ध में शांति और रेड क्रॉस के स्थापना के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दोनों को दिया गया। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं रोएंटजन, और रोएंटजन जो थे वो जर्मन के रहने वाले थे, और रोएंटजन को 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, और इन्होंने खोज किया था किसका, एक्स किरण का, एक्सरे का। प्रश्न सीधा ऐसे भी ऑब्जेक्टिव तुमको मिलेगा कि एक्सरे का खोज किसने किया, रोएंटजन, और एक्सरे के खोज के लिए वर्ष 1901 में रोएंटजन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद हम लोग देखें तो वांट हाफ मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वांट हाफ मैन रहने वाले हॉलैंड के थे, और इनको रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया, और इन्होंने खोज किया था कैटलिस्ट का। क्या कैटलिस्ट एजुकेशन हाव, नहीं, कैटलिस्ट केमिस्ट्री का एक पॉइंट है जिसको हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। जब आप केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, सब पढ़ने के लिए मिला कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का मतलब क्या है, उत्प्रेरक। यही उत्प्रेरक कैटलिस्ट के खोज के लिए 1901 में वांट हाफ मैन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हम लोग देखें तो एक व्यक्ति है मेन वॉन बेहरिंग, मेन वॉन बेहरिंग, इनको, ये जो थे जर्मन के रहने वाले थे, और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि इनका सबका कार्य लिखा हुआ है
ERM से डिप्थीरिया रोग के इलाज के लिए, एक बीमारी है डिप्थीरिया और यही डिप्थीरिया रोग के इलाज के का खोज किया, जिसलिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज भी अगर कोरोना वायरस का कोई खोज करेगा उनको भी सम्मानित किया जाएगा। यानी मानव जीवन के कल्याण के लिए जो व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया खोज करेगा उनको नोबेल पुरस्कार मिलने की संभावना हो जाती है, क्योंकि बहुत ही दुनिया का सबसे ऊपर लेवल का पुरस्कार इसे माना गया है। इसके बाद एक व्यक्ति हैं रेनेगर और एक व्यक्ति हैं जॉन्टिन बर्गन। ये रेनेगर जो थे नॉर्वे का, जॉन्टिन बर्गन थे हॉलैंड का, ये दोनों रहने वाले थे, ये दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो बोलो 1901 में पांचे क्षेत्र में दिया गया था, छठा क्षेत्र जुड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था वर्ष 1967 में, जबकि दिया गया था बोलो कब, 1968 में। और इन्होंने जो कार्य किया था वो माप तौल के प्रणाली पर कार्य किया था, और यही माप तौल प्रणाली पर कार्य करने के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन कौन से व्यक्ति आए इसको हम लोग देख लिए। अब यहां से कुछ बात है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन सा और भी प्रमुख व्यक्ति थे जिनको कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे वर्ष 1903 का, और वर्ष 1903 में एक महिला को सम्मानित किया गया और उस महिला का नाम आता है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1903 में नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था। उसके बाद मैडम क्यूरी को 1911 में फिर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और मैडम क्यूरी के जो पति थे, जो हस्बैंड थे, उनका नाम था पियरे क्यूरी। और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया 1911 में। 1903 में रेडियो सक्रियता के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, और 1911 में रेडियम के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों से एक संतान, एक बच्ची थी, एक बेटी थी, जिसका नाम था आइसिन क्यूरी। बेटी का नाम आइसिन क्यूरी, और आइसिन क्यूरी का विवाह हुआ था एफ जू लिस्ट से। और एफ जू लिस्ट और आइसिन क्यूरी, ये दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1935 में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि मैडम क्यूरी को पहली बार 1903 में पति के साथ कब मिला, 1911 में, और बेटी और दामाद दोनों को कब मिला, तो बोलना है वर्ष 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार आपने भौतिक शास्त्र में आप पढ़े होंगे E इजकल टू एम सी स्क्वायर, जो समीकरण है वो देने वाले जो व्यक्ति थे बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, साइंस बैकग्राउंड के हर बच्चे के मुंह पर चढ़ा हुआ है, जिनका नाम था आइंस्टीन। और ये आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो वर्ष 1921 में दिया गया था। इसके अलावा दुनिया के और भी कई व्यक्ति थे, विंस्टन चर्चिल थे, जिनको भी 1947 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है लॉरेंस ब्रैग। व्यक्ति का नाम है क्या, लॉरेंस ब्रैग। और जिस समय लॉरेंस ब्रैग की उम्र महज लगभग 25 वर्ष थी,
उस समय लॉरेंस ब्रैग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का वह कौन सा व्यक्ति है, कौन सा पुरुष है जिन्होंने सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर लिया, तो उसका नाम आता है लॉरेंस ब्रैग। तो कम उम्र तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे आप पूछोगे कि सर अधिक उम्र वाला कहाँ गया। तो अधिक उम्र में इसलिए इसको हम छाटे चूंकि जो 2019 का नोबेल पुरस्कार हम पढ़ाएंगे यानी किस किस व्यक्ति को मिला, तो उसमें एक जो व्यक्ति आएंगे उन सबसे उम्रदार रहेंगे और वही आपका आंसर होगा। इससे जब करंट अफेयर्स में जोड़ेंगे उसको तो वो भी बात को क्लियर करेंगे। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति लॉरेंस ब्रैग थे जो 25 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लिए। और अगर पूछ दिया कि महिला में कौन थी, तो उसका नाम था मलाला यूसुफ़ज़ई। पाकिस्तान की एक लड़की थी मलाला यूसुफ़ज़ई, और मलाला यूसुफ़ज़ई की आयु केवल मात्र 17 वर्ष की थी, और यही 17 वर्ष की आयु में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर ली थी। तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पुरुष कौन था, तो बोलना है लॉरेंस ब्रैग। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है, तो बोलना है मलाला यूसुफ़ज़ई थी। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपका पूछता है भारतीय विजेता। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछेगा अब यहीं से पूछेगा कि भारत में कौन कौन सा व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भारत में सबसे पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था वर्ष 1913 में, और 1913 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किस क्षेत्र में, तो बोलना है साहित्य के क्षेत्र में। किस व्यक्ति को दिया गया, तो उस व्यक्ति का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। पूरे एशिया महादेश में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब आती है, उस किताब का नाम आएगा गीतांजलि। बांग्ला भाषा में लिखा गया एक पुस्तक था गीतांजलि, और यही गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। या ऐसा ही प्रश्न घुमा देता है कभी कभी परीक्षा में कि भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, तो क्या बोला है साहित्य के क्षेत्र में। इसके बाद 1930 में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो दिया भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, और भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में जो दिया गया वो सीवी रमन को, चंद्रशेखर बेंटक रमन, सीवी रमन को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन प्रभाव का खोज किए थे, और यही रमन प्रभाव के खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ष 1937 की कहानी है। वर्ष 1938, वर्ष 1939, वर्ष 1947 और वर्ष 1948, 1, 2, 3, 4, 5 महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया। 5 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ महात्मा गांधी को, जिनको नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया, लेकिन दुर्भाग्य था कि 1 बार भी नहीं मिला। यानी आज्ञा दे के बीजेगा तो बड़ा बुरा बात है। तो प्रश्न है कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितने बार नामित किया गया, 5 बार, 37, 38, 39, 47, 48, मिला कि नहीं, तो बोला जी नहीं, 1 बार भी नहीं मिला।
लेकिन परीक्षा में पूछ दिया है कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार किस क्षेत्र में नामित किया गया था, तब बोलना है उस क्षेत्र का नाम है क्या, शांति के क्षेत्र में नामित किया गया था। अब यहां से आगे हम लोग चलें तो आगे चलेंगे तो कहानी मिलेगा वर्ष 1968 का, और वर्ष 1968 में चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम आता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। कृत्रिम रूप से जीन संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम रूप से जीन संश्लेषण के खोज के लिए चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को प्राप्त होता है। इसके बाद आगे हम लोग चले तो 1979 की कहानी आती है, और वर्ष 1979 में भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है, और जिस व्यक्ति को प्राप्त हुए वो एक पुरुष नहीं बल्कि महिला थी जिनका नाम था मदर टेरेसा। तो प्रश्न क्लियर है कि शांति के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला, तो बोलना है मदर टेरेसा को मिला। और मदर टेरेसा पुरुष थे कि महिला, तो बोलना है महिला थी। और ये मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम लोग चलें तो 1983 वर्ष 1983 की कहानी है, और 1983 में एस का मतलब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और यही सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी दूसरी बार, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो मिला था 1930 में और दूसरी बार भौतिक शास्त्र में कब मिला, तो बोलना है वर्ष 1983 में मिला। अब यहां पर एक बात और भी इंपॉर्टेंट चलेगा, 1998 और वर्ष 1998 है, ये आपका परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। 1998 में किस क्षेत्र में दिया गया, तब उस क्षेत्र का नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम आएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ये भी कही गई जोड़ के पूछता है कौन अर्थशास्त्र, तो बोलना कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से 1998 में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा देखें तो वर्ष 2001 में और वर्ष 2001 में एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया जिनका नाम था बी एस नायपाल को 2011 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2009 में देखेंगे तो यहां पर रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रामकृष्ण वेंकट रमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामकृष्ण वेंकट रमन को रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए, तो बोलना है कि कृत्रिम रूप से राइबोसोम, बायोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे राइबोसोम के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2009 में दिया गया। और अंतिम बार किस वर्ष भारतीय विजेता रहे, तो वर्ष 2014
और वर्ष 2014 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया कैलाश सत्यार्थी को, और कैलाश सत्यार्थी को दिया गया किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। और यही कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो वही मलाला यूसुफजई जो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार महिला विजेता बनी थी। जब तालिबानी आतंकवादी पाकिस्तान पर हमला किया उस समय भी अपने पढ़ाई को नहीं रोकी थी और बहुत ही उत्कृष्ट कार्य की थी, जिसके कारण दुनिया में उसका बहुत बातों को फैल गया और अंत में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपका चार्ट रहा कि कौन कौन सा व्यक्ति को, कौन कौन से भारतीय व्यक्ति को किस किस वर्ष मिला। तो एक बार फिर से तेजी में हम लोग सुन लें। सबसे पहले वर्ष 1913, 1913 में किसको मिला? तो बोला रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसके बाद कब मिला? तो 1930 में किनको मिला? तो सीवी रमन को मिला। उसके बाद देखेंगे तो वर्ष 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला। उसके बाद 1979 में किसको मिला? तो मदर टेरेसा को मिला। उसके बाद 1983 में किसको मिला? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला। उसके बाद देखेंगे तो 1998 में, और 1998 में किसको मिला? अमर्त्य सेन को मिला। उसके बाद 2001 में, 2001 में किसको मिला? तो बी एस नेपाल को मिला। उसके बाद 2009 में किसको मिला? तो रामकृष्ण वेंकट रमन को मिला। और उसके बाद 2014 में किसको मिला? तो कैलाश सत्यार्थी को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 9 व्यक्ति भारतीय हैं जिनको अभी तक नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ करंट को जोड़कर चलेंगे। जो 2019 में किस किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया, उस सभी बातों का व्याख्या करेंगे अगली क्लास में। आज तक इतना ही। आपको कहानी समझ में आई, प्रश्न बनता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।